क्या लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल सही है? लुब्रिकेंट्स सेक्स के समय वापरना चाहिए नहीं वापरना चाहिए? क्या उससे फायदा होता है, क्या नुकसान है? इसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे काफ़ी ऑनलाइन कॉल्स लोग करते रहते हैं, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स होते रहते हैं और काफ़ी सारे सवाल लोगों के आते हैं। इसमें का कॉमन एक सवाल ये है कि वाइफ को, पत्नी को सेक्स करने के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सेक्स करने के समय लिंग का योनि में प्रवेश करना कठिन हो जाता है और उसमें हमको बहुत तकलीफ होती है, और फिर औरत बोलती कि नहीं नहीं मुझे नहीं होना भाई सेक्स, तो ऐसे समय में क्या करूँ? फिर उसमें होता क्या है कि इरेक्शन भी निकल जाता है, अपना भी मूड ख़राब, औरत का भी मूड ख़राब, और फिर ऐसे लोग सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन उठ के झगड़ा करते हैं। इसमें बेस्ट ये है कि लूब्स का, मतलब लुब्रिकेंट्स का वापर करना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे औरतों को नीचे वजाइना में जो स्त्राव होना चाहिए सेक्स करने के समय, वो स्त्राव होता नहीं है, जो स्टिकी स्त्राव होता है। जो स्त्राव नहीं हुआ तो नेचुरली लिंग का योनि में प्रवेश होने में कठिनाई होंगी, क्योंकि वो जब ड्राई रहता है पूरा वजाइना, योनि जब ड्राई है, सूखी सूखी है, तो अंदर प्रवेश होंगे ही नहीं। एक तो वहाँ पेनिस का इतना प्रीकम बाहर आना चाहिए या फ्लूइड बाहर आना चाहिए कि वो पेनिस को भी, मतलब लिंग को भी वो पूरा वेट करेगा और वजाइना को भी वेट करेगा और अंदर जाने में सहायता होगी, और नहीं तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए लूब्स जो है, लुब्रिकेंट्स, उसका वापर करना चाहिए। काफ़ी सारी स्टडीज़ है, अलग अलग जो रिसर्चेस किए गए, उसमें ये पाया गया है कि लुब्रिकेंट्स का वापर करते हैं, मतलब वो नीचे का पार्ट गीला हो रहा नहीं हो रहा है, स्टिकी है नहीं है, एक्साइटेड है नहीं है, मगर लुब्रिकेंट्स का वापर यदि करते हैं तो औरतों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उनको बहुत प्लेजरेबल लगता है, उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है और तकलीफ नहीं होती। जो औरतों को तकलीफ होती है उनके लिए हम बोलते हैं कि भाई एनेस्थेटिक जेल का वापर करो, ताकि वो एनेस्थेशिया हो जाएगा, मतलब वहाँ सुन हो जाएगा, तकलीफ होंगी नहीं, दर्द होगा नहीं और पेनिस अंदर आराम से जाएगा। जिनको तकलीफ होती नहीं है उनके लिए सादे लुब्रिकेंट्स हैं, मतलब जिसमें कोई एनेस्थेशिया नहीं होता है, और वो यदि वहाँ लगा दिए तो पेनिस का प्रवेश जो है योनि में वो आसानी से हो सकता है। फिर भी सवाल ये होते हैं कि काफ़ी सारे लेडीज़ को ऐसा लगता है कि नहीं, लूब्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तो कोई ज़रूरत नहीं, मज़ा नहीं है और वापरते भी नहीं है। तो स्टडीज़ में ये बताया गया है कि करीब करीब 8 से 10% जो महिला है, जो यंग है, उनको उसमें कोई मज़ा भी नहीं है और उनका उनके तरफ उसके तरफ ख्याल भी नहीं है। मगर जिनको लगा तो 90% to 95% लेडीज़ 40 और 50 साल के बीच में थी, कि जिनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं लुब्रिकेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको ड्राइनेस है, वजाइना में ड्राइनेस है, सूखा सूखा है, और वो फिर सेक्स के समय तकलीफ जाती है। तो सेक्स करने के समय लुब्रिकेंट्स का वापर करना ज़रूरी है। अब लुब्रिकेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक है वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, जो बहुत ही चीप है, सस्ता है, मगर वो जल्दी सूख जाता है जल्दी, और वो बार बार लगाना पड़ता है, वाटर बेस्ड है, पानी जैसा। दूसरा है सिलिकॉन बेस्ड आते हैं लुब्रिकेंट्स, जो बहुत स्लिपरी होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते भी है। और तीसरा जो है वो है ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स, मगर उसमें क्या होता है, ऑयल बेस्ड है तो वो दाग लगने के चांसेस ज़्यादा है बेडशीट्स को वगैरह, और कंडोम के साथ में वो ऑयल बेस्ड वापरते हैं तो कंडोम फट जाना भी संभव है, या कंडोम का इस्तेमाल बराबर होगा नहीं, कंडोम निकल जाएगा, ऐसा कुछ तो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा ऑयल बेस्ड में। तो बेस्ट ये है कि सिलिकॉन बेस्ड वापरो, सस्ता वाला होना है तो वाटर बेस्ड वापरो। और 40 और 50 साल के बीच में यदि लेडी है तो ये लुब्रिकेंट वापर लिया तो बहुत ही अच्छा ही है। इसमें मलम है, मतलब ऑइंटमेंट है, जेल है, स्प्रे है, क्रीम्स है, ऐसे अलग अलग, और कोई भी स्टोर में ये मिलता है। मगर कुछ कुछ औरतों को ये वापरने से एलर्जिक रिएक्शन आती है, लाल चट्टा पड़ जाएगा, खुजली आएंगी, वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है, कोई किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर बच्चा होने में तकलीफ होगी, क्योंकि आप ये लुब्रिकेंट वापर रहे हैं तो वहाँ स्पर्म्स मर जाएंगे। और कुछ औरतों को ये जल्दी ड्राई हो जाता है, तो एक ही सेक्स में यदि वो ड्राई हो गया तो बार बार लगाना पड़ता है, इसलिए बेस्ट है कि सिलिकॉन बेस या ऑयल बेस वापरो। अभी आपको समझो वापरना नहीं है ये, तो फिर क्या करना चाहिए? तो एक तो ज़्यादा पानी पियो, रिमेन हाइड्रेटेड, नंबर एक। इस्ट्रोजन थेरेपी आप ले सकते हैं, नंबर दो। नंबर तीन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अराउज्ड है, एक्साइटेड है, तभी सेक्स करना है, ताकि अच्छा लुब्रिकेशन हो जाएगा, नंबर तीन। नंबर चार है फोर प्ले का टाइम बढ़ाओ,
ज़्यादा समय तक फोर प्ले करो ताकि लुब्रिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नंबर पाँच, सेक्स जब चालू है तो पहले मास्टरबेशन करो और बाद में सेक्स करना चालू करो ताकि लुब्रिकेशन मास्टरबेशन से हो जाएगा। बहुत सारी लेडीज ऐसी आती है कि उनको कोई मज़ा ही नहीं आता है, उनको एक्साइटमेंट भी नहीं होता, तो ये ड्राइनेस की वजह से होता है या उनको वैसे ही इंटरेस्ट कम है। फिर उनको मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप लुब्रिकेंट ले लो और लुब्रिकेंट से पहले मास्टरबेशन करो, एक्साइट करो, क्लाइटरल को एक्साइट करो, सेक्स टॉयज जो है उसको वापरो, वजाइनल एक्साइटमेंट करो मतलब वजाइनल स्टिमुलेशन करो, जी स्पॉट को स्टिमुलेट करो, क्लाइटरल स्टिमुलेशन करो, पहले अच्छा मास्टरबेट करो। उससे क्या होगा, वो लेडी खुद अराउज हो जाएंगी, बहुत एक्साइट हो जाएंगे और बाद में सेक्स की शुरुआत करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो लेडीज जल्दी अराउज होती नहीं है उनको लुब्रिकेंट्स का वापर करते अराउज हो सकती है, या फिर ये जो मेथड मैं बोल रहा हूँ वो मेथड का इस्तेमाल करके भी अराउज हो सकती है और फिर सेक्स अच्छा हो जाएगा। एनीवे लुब्रिकेंट जो है वो अकेले में भी वापर कर सकते हैं। कोई लेडी जो है वो अकेला उसको मास्टरबेशन करना है तब लूब्स का वापर कर सकती है। जेंट्स जो है वो मास्टरबेशन करते हैं उस समय लुब्रिकेशन का वापर करते हैं, क्योंकि समझो आपको मास्टरबेशन करना है और उस समय एक्साइटमेंट उतना नहीं आ रहा मगर इच्छा मास्टरबेशन बहुत है, ऐसे समय आप लूब्स लगाते हो तो उससे क्या होगा, उससे एक्साइटमेंट भी हो जाएगा, फ्रिक्शन भी कम होगा और मास्टरबेशन भी अच्छा होगा। सेम इज़ ट्रू फॉर वीमेन। तो ये हम वापरते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा और सेक्स करने में बहुत मज़ा आ जाएंगे। फिर आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।